नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 27 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका क्वेश्चन ये है कि फाइनेंस कैसा रहेगा जीवन में, हेल्थ, फैमिली लाइफ और बिजनेस का फील्ड कैसा कौन सा होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हैं और डिटेल्स इनको चाहिए, तो चलिए आइए देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा सुंदर सा पाम है, पिंक कलर का, काफ़ी ब्राइट पाम है। पाम की ब्राइटनेस देख के ही अंदाज़ा लगता है कि पाम कितना भाग्यशाली है। और इनके हाथ में मैं एक जो मेन चीज़ मुझे दिखी वो ये देखी, इतनी बड़ी ये मछली का चिन्ह है। ये ऐसे में इंसान काफ़ी अच्छे घर परिवार में जन्म लेता है और काफ़ी सुख सुविधा के साधन भी मिलते हैं इंसान को जीवन में। ऐसे लोग काफ़ी अच्छी इनकम करते हैं, लैक्स में कमाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं जीवन में। अब इनके जो क्वेश्चन है, फाइनेंस, हेल्थ और फैमिली लाइफ है, तो ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे एनालिसिस में। तो सबसे पहले जो पाम का कलर है ये वाइटिश पिंक टाइप का, ये तभी होता है जब इंसान के पास सुख सुविधा के हर साधन हो, धन धान्य हो, भाग्यशाली इंसान होता है, यानी कि आप जो जीवन में कर रहे हो उसका आपको भरपूर फल मिल रहा है। अब इनके हाथ में अगर हम देखें तो ये एक स्क्वेयर्ड पाम है। जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है जीवन में, ऐसा लगता है कि इंसान को कि मुझे काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। एक तरफ तो ये कि चीज़ें, इंसान का हाथ भाग्यशाली भी है लेकिन मेहनत करके फल भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत करते जाएंगे फल नहीं मिलेगा। तो और यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाथ को देख के कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा फल, और जैसे 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 उम्र बढ़ती है ऐसे लोगों की, वैसे वैसे ये लोग जीवन में तरक्की पाते चले जाते हैं। खास तौर से 40 वर्ष के बाद तो जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं रहती, ऐसा लगता है कि मोर देन जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपने जीवन में कर लिया। और 40 वर्ष के बाद तो जीवन की गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगती है। अब इनके हाथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इनका जो क्वेश्चन था हेल्थ का रिलेटेड, तो हेल्थ की ये थोड़ा सा मैं चीज़ दिखाऊंगी कि ये देखिए यहाँ पर मुझे जीवन रेखा पर थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखता है, ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी, कोई हेल्थ इशू। देखिए मेंटल टेंशन भी दिख रहा है, कोई ना कोई ऐसा समस्या जो इंसान को मेंटल टेंशन दे रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें तो ये दिखाई दे रही है। तो ये तो हेल्थ रिलेटेड इशू है कोई इस तरह का कि जो आपको परेशान कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इनके देखें तो ये देखिए ये स्वास्थ्य रेखा कुछ इस तरह से, थोड़ी सी यहाँ से रेडनेस बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं पेट संबंधित दिक्कत जीवन में आना या सिर के संबंधित दिक्कत आना, सिर में जैसे कि सिर दर्द ज़्यादा होना, टेंशन ज़्यादा लेना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। थोड़ा सा हेल्थ इशू मुझे दिखाई देता है ये देखिए, ये जैसे कि कई बार होता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली में दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से इंसान टेंशन ज़्यादा लेता है, परेशान रहता है और मन में थोड़ा शांति की कमी आना होता है ना, इंसान थोड़ा सा परेशान परेशान सा रहता है, घबराया सा रहता है, परेशानियाँ थोड़ा पीछा नहीं छोड़ रही, इस तरह की चीज़ें थोड़ी दिखती हैं। पैसे रुपए की दिक्कत नहीं है लेकिन चीज़ें जो है मन का सुकून जैसे हम कहते हैं वो चीज़ की थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी, लेकिन आगे ये देखिए इस चीज़ को अगर हम थोड़ा आगे लेके चलें, थोड़ा सा 30 वर्ष के बाद से 32 के आसपास जाके इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उसके बाद साफ़ सुथरा चलेगी। यहाँ पर फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है कि थोड़ा कोई हेल्थ इशू दिखना थोड़ा सा। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि आप रेमेडीज़ करें, आप उपाय करें तो जैसे कि आपको ये जो हेल्थ इशूज़ हैं या परेशानियाँ हैं वो सब दिक्कतें आपका पीछा छोड़े और आपको एक सुकून भरी ज़िंदगी मिले। तो अगर आप देखें तो इनको सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए और राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है और जो भी दिक्कतें परेशानी होती हैं वो रिमूव होती हैं। तो राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ की विधि मैं इनको बता दूंगी। अब हाथ में देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे बिज़नेस की बात इन्होंने कही तो बिज़नेस की रेखा देखिए, ये स्वास्थ्य रेखा भी होती है, बिज़नेस की रेखा भी होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा जो मैंने दिक्कत वाला एरिया बताया तकरीबन 50-55 के बाद, तो इस तरह से ये यहाँ पर लाइट हो रही है रेखा, अगर हम इस रेखा को लाइट देखें तो ये थोड़ा सा दिक्कत का कारण दिखाती है, अदरवाइज़ हाथ में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं ये करेंगे तो तब तक कि काफ़ी, जैसे अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है वो भी दिक्कत परेशानी दूर होगी और बाद के लिए भी इनकी रेखाओं में जैसे कहते हैं चाहिए कि नेगेटिविटी जो है, जो बुरा असर है वो ख़त्म हो जाएगा तब तक। और ये जैसे होता है कि समय के साथ साथ जब हम कोई अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, हम अपने कर्मों को सुधारते हैं तो अपने आप ये रेखाओं का बुरा असर निकलने लगता है, फ्लैश आउट हो जाता है, वही चीज़ इनके साथ भी होगी।
और ये सब जो जितनी भी मैंने दिक्कतें बताई, नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताए, वो सब भी अपने आप ठीक होने लगेंगे। तो बस अपने जो मैंने रेमेडी बताई, इनको उपाय बताए, वो करें और अपने कर्म अच्छे करें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखें हाथ में, तो ये देखिए एम का चिन्ह भी अच्छा खासा बन रहा है। ये देखिए ये एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे में इंसान देखिए अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करता है और उससे पैसा बनाता है, अपने हृदय को खुश रखता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और जीवन भी संवर जाता है। अब इनकी हाथ में देखें तो यहाँ पर ये देखिए जीवन का ग्राफ, ये देखिए पहले शुरू में इनिशियली स्ट्रगल आया, ऐसे लोग तकरीबन ऐसा लगता है थोड़ा 30 वर्ष तक स्ट्रगल करते हैं, 28-30 वर्ष तक, उसके बाद जीवन स्टेबिलिटी ले लेता है एकदम। 28 वर्ष तक समझिए कि थोड़ा सा जीवन में थोड़ा होता है कि इंसान सेट होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा, उसके बाद जीवन में एकदम सुख शांति, एकदम स्मूथनेस आ जाना, एकदम स्टेबिलिटी ले लेना। अब चलते हैं इनकी फिंगर्स की ओर, तो फिंगर्स में देखते हैं, बाकी रेखाओं का हम डीप एनालिसिस अभी बाद में करेंगे। ये देखिए फिंगर एकदम स्ट्रेट है, ऐसे लोग काफ़ी काम को लेके पॉजिटिव होते हैं, मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, अपने कर्म, अपने वर्क इज़ वर्शिप, इस तरह का मोटो होता है। यहाँ पर देखिए ये सूर्य की फिंगर लंबी है, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के बलबूते पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक आ रही है, तो टैक्टफुल भी होते हैं, कब किससे कैसे काम निकलवाना है, कैसे बात करनी है, बहुत अच्छे से जानते हैं, पोलाइट नेचर होना, और साथ में होता है कि हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करना, रिसर्च करना, तब तक कोई फैसला नहीं लेते जब तक इनको चीज़ें समझ नहीं आ जाती, ये उस तरह के लोग होते हैं, चीज़ों बात की तह तक घुस जाना, इस तरह के पर्सन ये लोग देखे जाते हैं। यहाँ पर इनके फिंगरप्रिंट्स देखेंगे कि फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। ये देखिए ये इस तरह का उल्नर लूप है, जब भी गुरु की फिंगर पर उल्नर लूप होता है तो इंसान अपने फील्ड से अलग हटके भी नॉलेज रखता है और इंसान को होता है कि समाज में नेम फेम मिलना, थोड़ा सा होता है कि दान पुण्य की इच्छा होना कि मेरे को अच्छा कर्म करना चाहिए, मैं कोई सोशल वर्क की तरफ भी रुझान दिखता है। यहाँ पर देखिए इस तरह की उल्लन रूप है, तो जीवन में कई बार इतनी कठिनाई परेशानी इंसान देख के बहुत कुछ सीखता है, इंसान को लगता है कि मैं जो होता है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, इस सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, अपनी हर गलती से सीखने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। और देखिए ये जो मैंने बताया दान पुण्य की इच्छा होना, लोगों की मदद करना, ये देखिए क्या होता है कि भले ही अभी 27 ईयर्स की एज है, कम एज है तो कम हो, लेकिन बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है ये चीज़ें निकल के आती हैं इंसान के अंदर, ये सब चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए इस तरह का हमें ये कि उल्टा लूप यहाँ पे भी दिखता है, एक से ज़्यादा काम करना, कई बार होता है कि व्यक्ति अपना फील्ड भी चेंज करता है, कई बार होता है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे अलग हटके सोचना, उससे अलग कुछ करके दिखाना, इस तरह के विचार भी ऐसे लोगों के मन में आते हैं, ये नहीं कि जो सब कर रहे हैं वही मैं करूँ, नहीं, अलग भी करके दिखाऊँगा। यहाँ पर देखें हाथ में तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्टा लूप है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कभी किसी को पैसे उधार देते हैं तो सोच के देना चाहिए, ऐसे पैसे लौट के नहीं आते, मैंने कि पैसे डूब जाते हैं, कई बार होता है कि आपके किसी दोस्त ने पैसे मांगे या किसी ने कहा कि मेरे को बहुत ज़रूरत है मेरी मदद कर दो, तो वो उधार लौट के नहीं आएगा, अगर आप देते हैं किसी को तो ये सोच के दीजिए कि वो पैसा आप डोनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर चलते हैं इनके अंगूठे की ओर, देखें इनका थंब क्या बताता है, थंब में देखें तो यहाँ पर भी हमें एक ये उल्टा लूप दिखाई देता है, फैमिली को बहुत प्यार करना, फ्रेंड्स होते हैं, कजन्स, अपने भाई बहन, माता पिता, इन सबको बहुत प्यार करना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अंगूठे को, अच्छा मजबूत सशक्त अंगूठा है इनका, ये देखिए विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है इनका। यहाँ पर एक लाइन दिखाई देती है, लाइन ऑफ ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग जीवन में बहुत बनी रहेगी। एक नेगेटिव रेखा भी मुझे दिखाई देती है, नेगेटिव रेखा जब भी हाथ में होती है तो ये कोई ना कोई इंसान के कामों में अटकलें लगाती है। अब हाथ में देखें तो ये अंगूठा अगर हम देखें तो पीछे की ओर बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता होगा, सीधा रहता होगा, तो ऐसे में इंसान के अंदर जो एक बार सोच लिया वो मैं करके दिखाऊंगा, अपने कहे से पीछे नहीं हटना, अपने जो मैंने ठान लिया तो ठान लिया, इस तरह की सोच होती है। एक चीज़ और बताएंगे इनके हाथ में, यहाँ पर देखिए हाथ में
इस तरह की लाइंस जो होती है, ये खड़ी रेखाएं, ये इंसान की जीवन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं सब इच्छाएं पूरी करवाती है। ऐसा होता है जैसे आपकी जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो सब पूरी होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में, कि लेफ्ट हैंड में हमें कौन कौन से चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरह का टेंटेड आर्च है। जब भी इस तरह का टेंटेड आर्च होता है, इंसान जीवन में उतार चढ़ाव भी देखता है। होता क्या है कि आपने जो फील्ड चुना, जिसकी नॉलेज आपको है, उससे अलग भी आपको काम करना पड़ता है, आपको उससे अलग भी नॉलेज गेन करनी पड़ती है, तो आप कई तरह के फील्ड्स में नॉलेज पा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह का उल्टा लूप है, तो ऐसे में इंसान अपने, जैसे मैंने बताया राइट हैंड में भी ये चिन्ह था, तो इंसान अपने जीवन में काफ़ी कुछ सीख जाता है। यानी कि आदमी को होता है ना कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मतलब ऐसा आईना दिख जाता है कि उनको पता चलता है कि कौन लोग मेरे को सचमुच मदद करने आए हैं या खाली बातें बनाने आए हैं, इस तरह का ज्ञान इनको हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें उल्टा लूप दिखता है, और इस तरह का उल्टा लूप जीवन में, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा था, तो काफ़ी अपने प्रोफेशन से अलग कुछ करना, इस तरह की चीज़ होती है। तो आपने एक प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं रहते, एक बिज़नेस तक लिमिटेड नहीं रहते, आप अलग अलग बिज़नेस करने की जीवन में इच्छा बनी रहती है और करके भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये उल्टा लूप है फिर से राइट हैंड की तरह से, तो ये जैसे मैंने कहा कि उधार नहीं देना चाहिए, स्टॉक मार्केट जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, तो ये ना हो कि आप ज़्यादा पैसा डाल दें और आपका पैसा डूब जाए, ऐसे में डूबने के चांसेस भी रहते हैं। अब हाथ में देखें इनके फिंगर्स में, यहाँ पर भी ये देखिए खड़ी रेखाएं बहुत हैं। ये खड़ी रेखाएं इंसान को बहुत भाग्यशाली बनाती है, हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो हाथ का लेवल काफ़ी अच्छा है, ऐसा लगता है देख के कि हाथ अपने आप में ही कोई मजबूत अच्छा हाथ है, हाथ में अपने आप में ही जैसे होता है ना दम होता है हाथ में, भाग्यशाली होना, ये चीज़ दिखाई पड़ती है। अब इनके अंगूठे को भी एक बार चेक करते हैं कि अंगूठा क्या कहता है। ये देखिए अंगूठे पर है चक्र का निशान, जो कि बहुत मजबूत बनाता है हाथ को। तो कई बार होता है कि इंसान को पेरेंटल हेल्प बहुत ज़्यादा होती है, जब लेफ्ट हैंड में होता है तो पेरेंटल हेल्प बहुत ज़्यादा होना और चक्र का निशान अपने आप में ही हाथ को बहुत ज़्यादा बल देता है। इनके अगर हम देखें तो हाथ में हमें उल्टा लूप काफ़ी मिले, हमें टेंटेड आर्च भी मिला, लेकिन यहाँ ये चक्र का निशान अपने आप में ही पूरे हाथ को बल दे देता है, इंसान को पूरा बल देता है। अंगूठे में चक्र का निशान एक तरह से होता है ना कि आप, अंगूठा हमारा दिमाग होता है, अपने आप में भी सोचने की शक्ति, अपने आप में भी कुछ कर दिखाने का हिम्मत होना, तो ये चीज़ दिखाई पड़ती है। अब अगर हम ये देखें कि अंगूठे पर ये चक्र का निशान जैसे पूरे सारे प्लैनेट्स को, सारे हाथ के पर्वतों को बल देता है, भले ही लेफ्ट हैंड में हो, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि पेरेंट्स के लिए लकी होना, या कई बार होता है कि इंसान का जीवन में जो भाग्य उदय होता है किसी के हेल्प से होना, पेरेंटल हेल्प मिलती है कई बार, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर इनके हाथ पर देखें तो यहाँ पे यव का चिन्ह है, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना और उस परिवार का नाम भी रोशन करते हैं ये लोग। एक चीज़ और बताएंगे इनके राइट हैंड में, देखिए यहाँ पर भी ये यव का चिन्ह है, तो अपने परिवार का नाम तो बहुत रोशन करते ही है। देखिए अब अगर हम इनकी दसों उंगलियों का समावेश निकालें, समराइज़ करें, तो हमें मिलता है कि एक चक्र का निशान, उल्टा लूप्स काफ़ी मिले। तो ऐसे लोग जीवन में, देखिए कई बार क्या होता है, परिवार से विचार नहीं मिलते, परिवार से विचार अलग तरीके से चलते हैं, और परिवार से अलग चल के जीवन में आगे बढ़ना, अपने बलबूते पर करके दिखाना, इंडिपेंडेंट सोच होना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं और स्ट्रगल करके अपने आप को प्रूव भी करके दिखाते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर, देखें इनके हाथ में माउंट्स में हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर देखें तो गुरु पर्वत अच्छा खासा है, और यहाँ पर एक ये देखिए एपेक्स का चिन्ह भी, ये देखिए अपने आपको अपडेट करना, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, और ये चीज़ देखिए कि ट्रायंगल का निशान है, ये एक क्रॉस का तो है ही, ये ट्रायंगल का निशान है, और ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी कुछ दिखा रहा है, पुश्तैनी जायदाद का भी कुछ दिखा रहा है कि जो एंसेस्ट्रल होती है पुश्तैनी जायदाद का जीवन में सुख मिलना। देखिए ये एक तो ये क्रॉस है, क्रॉस परिवार का सपोर्ट दिखाता है, दूसरा ये ट्रायंगल दिखाता है अचानक से कोई ना कोई उपलब्धि मिलना, अचानक से कोई ना कोई ऐसा मान सम्मान जीवन में पाता है इंसान, और कुछ धन लाभ के योग भी बनाता है। अब हाथ में इनके देखें यहाँ पर, ये देखिए शुक्र वलय की स्थिति बन रही है,
जब भी शुक्र वाला की स्थिति बनती है, देखिए इंसान खुद भी भाग्यशाली होता है, दूसरों को भी भाग्य देता है। पैदा हुए तो माता पिता को भाग्य देना, फिर उसके बाद अपने भाई बहनों को भाग्य देना, शादी हुई तो पत्नी को भाग्य देना, इस तरह की चीज़ें इनके जीवन में चलती हैं। दोस्तों को भाग्य तक मिलता है ऐसे लोगों को। ये किसी के घर जाते होंगे, पता चलता होगा कि अगर उसका कुछ नुकसान चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो वो परेशानी भी रिमूव हो जाती है इस तरह का। अगर ये थोड़ा 2 घंटे वहाँ बैठ ही आए तो समझो कि उसका कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी उसको। ये इस तरह का भाग्य देते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखिए ये लूप ऑफ सीरियसनेस है हाथ में। कोई भी काम को करना बहुत सीरियसली करना, इस तरह की इनकी नेचर होती है। वर्क इज़ वर्शिप, इस तरह का इनके अंदर नेचर देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये शनि पर्वत दबा हुआ है, ये कुछ ना कुछ परेशानी दिखाता है, कोई ना कोई पारिवारिक समस्या, या जैसे हमने यहाँ पर देखा कि खुरदुरापन है लाइफ लाइन में, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू या पारिवारिक समस्या इतनी ज़्यादा चलना कि जिसकी वजह से इंसान का मन परेशान है, इंसान दुखी है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। हालाँकि अगर हम देखें जीवन में, ये देखिए एक ये देखा ये टूटी टूटी चल रही है, तो कोई ना कोई ऐसी समस्या जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी देखना। सूर्य रेखा का इस तरह से टूटना कुछ ना कुछ इंडिकेशन करता है, या जैसा होता है कि आपकी कोई ऐसी समस्या जिसकी वजह से आपको दिक्कत पहुंच रही है, परिवार होता है या तो आँखों का चश्मा, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं। अब अगर हम हाथ में देखें, यहाँ पर हमें एक बड़ा क्लियर ये मछली का चिन्ह देखें यहाँ पर, हालाँकि इनहेरिटेंस के योग भी बन रहे हैं। मछली का चिन्ह अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ये मछली का चिन्ह बन रहा है। मछली का चिन्ह इंसान को जीवन में बहुत आगे लेके जाता है, कुछ इंटरनेशनल नेम फेम तक पहुंचा देता है। कई बार होता है कि आपका जो काम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको दूर दूर से क्लाइंट मिलते हैं, दूर दूर तक आपका नाम फैलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए एक चीज़ और बताएं, ये देखिए यहाँ पर ये अपेक्स का चिन्ह है, तो ईश्वर शक्ति का हाथ भी दिखता है। और बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा है, बुद्ध पर्वत यानी अपनी बात को कॉन्फिडेंस से कहना, अपनी बात को जैसे कहना चाहिए कि अपनी बात को काफ़ी समझदारी से बोलना, पोलाइटली बोलना, कब किसके सामने कितना बोलना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बुद्ध पर्वत पर अगर हम देखें तो कोई ऐसा खास हमें कोई निशान या नेगेटिव रेखा हमें नहीं दिखती है, तो ये दिमाग भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे वो कह रहा था कि टैक्टफुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचते हुए, सेल्स मार्केटिंग में अच्छे होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। वर्बल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। और बिजनेस रेखा के बारे में तो हमने बता ही दिया था। थोड़ा सा ये जो रेखा है टूट रही है, ये देखिए कि कई बार ना दिक्कत दिलवाती है, तो ऐसे में सूर्य के लिए थोड़ा सा सूर्य को जल दिया करें तो इससे भी लाभ मिलता है। देखिए अगर हम देखें तो ये मछली का चिन्ह अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है, और ये देखें ये इस तरह से ये अगर ये चीज़ भी स्ट्रांग हो जाए तो ये इंसान को और हाई लेवल पर ले जाती है। अब देखें आते हैं मंगल पर्वत की ओर, तो मंगल पर्वत देखें तो ये देखिए अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी हिम्मती साहसी हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट है, भले ही कोई इनको कहे कि देखने में जल्दी पिघल जाते हैं या कुछ भी इस तरह से, कि जो बहुत सॉफ्ट नेचर्ड है बहुत पिघल जाते हैं जल्दी इस तरह से, या हार मान लेंगे, लेकिन नहीं, अंदर से बहुत मजबूत हैं। और ऐसे लोग अपना गुस्सा जल्दी किसी पे शो नहीं करते हैं, अपने अंदर अपने मन में रखते हैं अपना गुस्सा। यहाँ पर देखिए ये रेखा आके यहाँ पर टच कर रही है, ये रेखा जब भी इस तरह से आकर टच करती है चंद्र पर्वत से निकल के, कोई ना कोई लेडी से बेनिफिट मिलता है। ये जैसे लेडी लक, जैसे माता हो, बहन हो, इस तरह से, या वाइफ, इस तरह से लक मिलना। और ये क्या होता है कि यह कई बार फॉरेन कंट्री से लाभ मिलता है। होता क्या है कि फॉरेन कंट्री में जाके भाग्य उदय होना, फॉरेन कंट्री का कोई MNC का ऑफिस इंडिया, किसी कंपनी का ऑफिस इंडिया में खुलना, फॉरेन कंट्री की कंपनी का, और वहाँ से आपको लाभ मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, विदेशी लोगों से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें, ऑनलाइन वर्क से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में लाभ मिलना, या आप कोई ऐसा बिजनेस करें कि जिसमें लेडी क्लाइंट्स आपको ज़्यादा मिले, तो उससे भी ऐसे लोगों को लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर देखें तो ये देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, ये देखिए तो जीवन में किसी चीज़ की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, लाइफ लग्जरियस रहेगी, लविंग एंड केयरिंग होते हैं ऐसे लोग, अफेक्शनेट होते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे लोग होता है कि अच्छा पहनना ओढ़ना, सजना संवरने का शौक होना, मतलब एक होता है कि एक रॉयल टाइप की
टच, जैसे कि एक होता है आप चीज़ें पहनते तो अच्छे ब्रांडेड आइटम, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड एक अच्छा मोबाइल, इस तरह की चीज़ें, महंगी गाड़ी, महंगी चीज़ें इनको लुभाती हैं। कई बार ऐसे लोगों के अंदर होता है कि अगर मैं और पैसा कमा लूँ, और चीज़ें मुझे मिल जाएँ, तो मैं पता नहीं अपने लिए क्या खरीद लूँ। एक से एक इनके अंदर डिज़ायर्स होती हैं, और अपने पार्टनर के टुवर्ड्स भी काफ़ी लविंग एंड केयरिंग होते हैं ऐसे लोग। अब इनका एक प्रश्न था कि शादी से रिलेटेड, तो पहले हम रेखाओं पर चलने से पहले हम वो लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो शादी की रेखा साफ़ सुथरी है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे नहीं दिखती, और थोड़ा सा ये फोक नुमा टाइप है, तो ये एक बहुत कोई ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाली इशू नहीं दिखाई दे रहा। और चलते हैं दूसरे हैंड की ओर, देखिए यहाँ पर भी ये थोड़ी सी रेडनेस है, तो ऐसा लगता है कि, और ये देखिए थोड़ा सा फोक नुमा, तो होता कई बार कि पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, या कई बार पार्टनर थोड़ा सा विचार थोड़ा सा अलग अलग होना, फिर भी लेकिन ऐसी कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखाई देती। और चलते हैं अब इनके लाइंस की ओर, यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, सिर्फ एक रेखा इसको जोड़ रही है, बाकी अलग अलग है। जब इतना ज़्यादा गैप होता है तो इंसान के अपने परिवार से कम बनती है, या तो माता से कम बनना, या विचार नहीं मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जैसे कहना चाहिए कि अपने परिवार से बिल्कुल टोटली अलग सोच के चलते हैं। अगर परिवार वाले कहेंगे कि एक काम करो, कहेंगे बी करना है मुझे, वो कहेंगे अच्छा चलो बी कर लो, तो कहेंगे नहीं सी करना है। इस तरह की सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है इनकी, परंतु कोई गलत सोच नहीं होती। होता है कई बार किसी किसी की सोच अलग होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमने डिस्टरबेंस देखा था, और अगर हम देखें तो ये समय इनके जीवन में करीब 32 से लेके 50 तक का समय काफ़ी बढ़िया दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा समय है इनका। और ये जो मैंने बताया थोड़ा डिस्टरबेंस, तो ये रेखा जो मैंने उपाय बताया उसको करने से ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, और यहाँ का भी जो डिस्टरबेंस है उसमें भी इनको आराम मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा, देखिए मस्तिष्क रेखा ये देखिए ये डिस्टर्बेंस दिखा रही है, तो ये भी जो है आगे जाके ये देखिए काफ़ी साफ़ सुथरी रेखा हो रही है, यानी कि जो प्रॉब्लम का ये परेशानी है ये रिमूव हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आगे जाके नहीं आनी चाहिए। एक अगर हम देखें यहाँ पर, ये इस तरह से रेखा जा रही है, ये देखिए यहाँ से रेखाएं निकलना, और ये देखिए यहाँ से रेखाएं निकलना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये कोई बड़ा एक्सपोजर लाइफ में दिखाती है। यहाँ पर एक छोटा सा खर्चे का ये दिखा रही है लाइन, ये कोई बड़े खर्चे का इंडिकेशन, देखिए भाग्य रेखा पर भी इस तरह से आ रही है ये, तो ये बड़े खर्चे का इंडिकेशन है यहाँ पर, ये देखिए कोई बड़े खर्चे करने का इंडिकेशन दिखाती है। तो ये दो खर्चे लाइफ में इनके और आएंगे, तो हम भाग्य रेखा पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए खर्चे का इंडिकेशन है, ये कुछ अराउंड है 42 के आसपास, और ये भी चीज़ यही दिखा रही है 42 के आसपास, तो ये खर्चे का इंडिकेशन है। और यहाँ पर देखिए ये रेखा, ये इस तरह से दो भागों में डिवाइड हो जाना, ये देखने में ऐसी लग रही है कि यहाँ से आके ये आ रही है, लेकिन नहीं, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से ये इस तरह से निकल रही है, तो ये खर्चे का कोई ना कोई इंडिकेशन दे रही है। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें यहाँ पर हृदय रेखा को, ये इस तरह से दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है। ऐसे लोग काफ़ी दूसरों के हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की हेल्प करना काफ़ी पसंद करते हैं, और इनको रहता है जीवन में कि जो मेरे से अच्छा कर्म हो सके वो मुझे करना चाहिए, इस तरह का स्वभाव देखा जाता है इनका। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये देखिए काफ़ी कट्स क्रॉसेस ये आ रहे हैं, ये छोटी छोटी नेगेटिव रेखा ये सब परेशान कर रही हैं ये सब, तो ये सब जो मैंने इनको उपाय बताया उससे ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, ये देखिए यहाँ पर ये इस रेखा में ये बल्ज है। पहले मुझे लगा था देखने में कि ये यहाँ से यूँ करके जा रही है, नहीं, ये यहाँ पर आके स्टॉप हो गई है, ये यहाँ से चली, यहाँ से स्टॉप हो गई। अब ये रेखा यहाँ पर आ रही है तो ये यहाँ से ऐसे निकल रही है, ये इस तरह से रेखा निकल रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनका लाइफ में बड़ा एक्सपोजर होना, ये अराउंड दिखता है 45 वर्ष के आसपास बड़ा एक्सपोजर होना, कुछ बड़ी चीज़ का ज्ञान हो जाना, कुछ बड़ा सीख जाना, इस तरह की चीज़ दिखाई पड़ती है। अब चलते हैं हाथ में लेफ्ट हैंड की ओर, अब देखिए यहाँ पर अगर हम हाथ में देखें
तो देखिए गुरु पर्वत यहाँ भी बहुत अच्छा है, शनि पर्वत फिर दबा हुआ है जैसे कि हमने उस हैंड में भी देखा था, तो मन में समस्या है। देखिए बड़ा अच्छा त्रिशूल का निशान है, ये देखिए कितना बढ़िया त्रिशूल का निशान इनके हाथ में है, ये इस तरह से। और देखिए ये बिजनेस की रेखा कितनी स्ट्रांग है इनके हाथ में, ये देखिए कितनी स्ट्रांग है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस की रेखा है, बिजनेस में ऊंचाइयों पे पहुंचना। बुध पर्वत अच्छा खासा है, और मंगल पर्वत अगर हम देखें तो जो इनको बुद्धि प्रदान करता है, और मंगल पर्वत भी अच्छा है, प्रॉपर्टी का सुख भी दिलवाता है मंगल पर्वत जब अच्छा हो। और यहाँ पर देखें तो ये चंद्रमा काफ़ी बढ़िया, और यहाँ से रेखा का निकलना, ये देखिए रेखाओं का निकलना, ये तो ये चीज़, ये देखिए फॉरेन कंट्री से लाभ दिलवाना, फॉरेन कंट्री से फ़ायदा, फॉरेनर्स से फ़ायदा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो ये रेखा थोड़ी सी टूटी सी हो गई है, कुछ ना कुछ दिक्कत पारिवारिक समस्या दिखाती है, लेकिन जैसे ये 35 अपना क्रॉस करेंगे एकदम चीज़ें बढ़िया स्मूथ चलने लगेंगी। अब देखिए हाथ में यहाँ पर भी हमें डिस्टर्बेंस दिखाई देता है, ये देखिए ये चीज़, तो ये यव का चिन्ह हमें दिख रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है, ये और ये मस्तिष्क रेखा को नीचे की ओर भी ले जा रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा जैसे मैंने बताया ये थोड़ा दिक्कत परेशानी दिखा रही है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि जैसे कि अभी इनकी एज 27 है, तो देखिए जीवन में किसी से जब ये यव का चिन्ह आता है तो ये धोखा मिलने के चांसेस होते हैं, या तो कोई रिलेशनशिप इशू होता है तो उसमें धोखा मिलना, या आपको अपने किसी बिजनेस पार्टनर की वजह से धोखा मिलना, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, सब लोग आपको गलत समझने लगते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम जीवन में अराइज होता है। तो देखिए भाग्य रेखा अगर हम देखें तो यहाँ हालांकि 32 के बाद से चीज़ें काफ़ी स्मूथ स्ट्रांग हो रही है, वही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड में भी देखी थी। देखिए यहाँ पे ये राहु रेखा कितनी ज़ोर से कट लगा रही है, ये देखिए ये तो ये सब चीज़ें परेशानी दिखाती हैं जीवन के, उतने साल इंसान परेशान रहता है और उसको समझ नहीं आता कि मेरी समस्या क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों दुखी हूँ, इस तरह की चीज़ें। देखिए हार्ट लाइन में भी ये डिस्टर्बेंस है, तो कोई ना कोई बिट्रेयल, कोई ना कोई धोखा मिलना, इस तरह की चीज़ें होती है, या कोई ना कोई जैसे बीमारी की समस्या होती है इस तरह से, जिसमें इंसान परेशान हो जाता है कि मैं डॉक्टर के बार बार जा रहा हूँ, इलाज करा रहा हूँ, खर्चा हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा या तो रिलेशनशिप इशू दिखाई पड़ता है, या कोई ना कोई दिक्कत परेशानी कि जैसे जो पारिवारिक समस्या। अगर हम देखें तो जैसे जैसे ये समय क्रॉस होगा 32 के बाद का समय देखें, तो ये चीज़ें अपने आप स्मूथ होती चलेंगी। और ये देखिए यहाँ पर भी ये वैसे ही रेखा, धन की रेखा अच्छी खासी साफ सुथरी हो रही है। एक ये मछली का चिन्ह देखिए कितना बढ़िया है, ओल्ड एज लग्जरियस रहेगी। अगर हम ओवरऑल देखें हाथ को, तो ओवरऑल हाथ काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा भाग्यशाली प्रॉमिसिंग गिविंग हैंड है, पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। इनको मेन जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है, कोई पारिवारिक समस्या जो इनको परेशान कर रही है, जैसे होता है कई बार जीवन में समस्या है वो अपनी जगह है, परेशानी ज़्यादा दे रही है, वो चीज़ का इशू ज़्यादा दिखता है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं उस उपाय से काफ़ी हद तक चीज़ें शांत हो जाती हैं, 70-80% तक चीज़ें शांत हो जाती हैं। और अभी समय है तो जैसे उपाय करते रहेंगे तो अपने आप सारी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव जो समस्या की नेगेटिविटी है वो सब फ्लश आउट हो जाएगी, चीज़ें स्मूथली निकल जाएंगी। तो ये जो जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे ये रेखा है, अगर हम इसको डीपली देखें तो ये इस तरह से ये टूट रही है, ब्रेक ले रही है, तो ये अपने आप ही जुड़ के ये फॉर्म ले लेगी इस तरह से, तो इंसान का जीवन स्मूथ चलने लगेगा, वो समस्या एकदम अपने आप सॉल्व होके एकदम स्मूथली निकल जाएगी, इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। अगर हम देखें हाथ में तो ओवरऑल हैंड जैसे मैंने बताया काफ़ी भाग्यशाली है, आगे भी जीवन में काफ़ी सुख सुविधा, काफ़ी ग्रोथ जीवन में मिलेगी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दुख परेशानी है वो दूर हो, जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब ग्रोथ मिले, सक्सेस पाएँ। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।